वीडियो स्टार्ट करने से पहले दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें। पहले तो इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना, ऐसा नहीं कि तुम बीच में छोड़ दो, ऐसा लगे कि भैया ठीक है यार बाद में देख लेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। ये जो नौ टिप्स है तुम्हारी नाइन्थ क्लास को पूरी तरीके से चेंज कर देंगे, दिस इज फॉर श्योर। मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि इस वीडियो की जो लेंथ है शायद वो थोड़ा लंबा वीडियो बन गया, 20-25 मिनट का, 24-25 मिनट का बन गया, बट अगर इस वीडियो को तुम एंड तक देख लेते हो तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि तुम्हारी नाइन्थ क्लास जो है वो डेफिनेटली 10 गुना बेहतर हो जाएगी। तो जहां पर तुम कम नंबर ला रहे होते वहां पर अगर तुम आज 20-25 मिनट देकर 10 टाइम्स इंप्रूवमेंट कर सकते हो तो वो कर लेना चाहिए। और दूसरी चीज, जो पेड कोर्स अपना एक्सपीरियंस बैच, वो एक्सपीरियंस बैच की जो लिंक है तुमको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। अगर तुम लोगों को अपनी नाइन्थ क्लास की पूरी स्ट्रक्चर प्रिपरेशन करने और ऐसी प्रिपरेशन करने की, भैया हमको बहुत तगड़ी चीज, मतलब कि यहां पर तुम्हारे पास में प्रॉपर लेक्चर है, L1 L2 L3 डिटेल्ड लेक्चर्स है, हर लेक्चर के तुमको नोट्स तुमको पता है कहां मिलेंगे, तुमको पता है कि इसके लेक्चर स्लाइड्स कहां मिलेंगे, तुम्हारे इसमें डाउट सॉल्व किए जाएंगे, तुम्हारे इसमें वीकली लाइव इंटरेक्शन होंगे। अगर मैं जाऊंगा तो मुझे किसी कोचिंग की जरूरत नहीं, मुझे किसी इंस्टीट्यूशन की जरूरत नहीं। एक्सपीरियंस बैच की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, फॉर्म बस फॉर्म फिल करना और कुछ नहीं करना। Alright, what's going on my loveliest and dearest people out there? Welcome back to Just Padle. और मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था लाइन बोलने का, बट फाइनली दिस इज द टाइम। आई एम बैक, वी आर बैक विद फुल पावर। और अब तुम्हारी जो क्लास 10 की प्रिपरेशन हम स्टार्ट से लेके एंड तक करना लो, बहुत तगड़ी होना लो। और इस वीडियो के अंदर मैं तुम लोगों को वो 9 चीजें बताना लो जो कि तुम्हारी क्लास 9th को 9 टाइम्स या 10 टाइम्स इजी बना देंगी, सिंपलिस्टिक बना देंगी, तुम्हारे दिमाग पर लोड कम जाएगा और तुम बिल्कुल ओवरऑल बहुत सही तरीके से अपनी जितनी प्रिपरेशन हो कर पाओगे। ठीक है, तो सारी की सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करना, तो मेक श्योर कि तुम इस वीडियो को एंड तक देखो क्योंकि मैं ट्राई करूंगा कि वीडियो को बहुत ही सही तरीके से देखो। और इस वीडियो को कॉन्सेप्ट हमने बहुत ही नई तरीके से बनाया। ठीक है, हमने क्या किया है कि इसके अंदर हमने लिया है मतलब थोड़ी ऐसी चीजें जो तुम रिलेट कर पाओ। देखो मैं तुमको शुरू से बोलता हूं कि मैं तुम्हारे ऑलमोस्ट सेम एज ग्रुप का, तो तुम मुझे टीचर विचर तो बोलते नहीं हो। ठीक है, ना सर बोलते हो, ना भैया बोलते हो, ना सर बोलते हो, ऐसा कुछ भी नहीं बोलते, तुम मुझे भैया बोलते हो। और मैं वही चाहता हूं कि तुम लोग मुझे भाई बोलो, भैया बोलो या प्रणय बोलो, इनफैक्ट कोई दिक्कत नहीं है, पर सर वर्मा बोलो क्योंकि उसमें फील नहीं आती। ठीक है, और हम पूरा काम फील पे करते हैं, हमारी बस फील अच्छी होनी चाहिए, बाकी सब तो भाई मोह माया वो तो चलता रहता है, भाई प्यार बढ़ते रहना चाहिए, बाकी सब तो होता रहता है, बाकी सब तो आगे पीछे चलता रहता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो बॉन्ड है वो तगड़ा रहे। तो अभी नया आया नाइन्थ के अंदर, मुझे पता है, बट हमने जो नाइन्थ से जो टेंथ में जा रहे हैं ना, तो उनसे पूछो भाई, वो इतने तगड़ी बॉन्डिंग है हमारी कि तुम मतलब देख सोच भी नहीं सकते, इतना तगड़ा हमने काम कर रखा है पहले से और वो बॉन्डिंग भी उतनी अच्छी। तो अभी हमको भी वो बॉन्डिंग डेवलप करें, ठीक है, हमको भी भाईचारा चाहिए, हमको भी वो दोस्ती चाहिए, तो उसको हम इनिशियली स्टार्टिंग से लेके चलेंगे। तो एक चीज बता दूं कि मैं तुम्हारे दिल की भावनाओं को बहुत अच्छे तरीके से समझता हूं, मतलब अंदर तक सब समझता हूं कि तुम क्या चाहते हो, क्या नहीं चाहते हो, कहां तुम अटकते हो, कहां तुम नहीं अटकते हो, कहां तुमको लगता है कि भैया यार पढ़ाई पढ़ाई की बातें होती है, और कहां तुमको ऐसा लगता है कि भैया पढ़ाई की तो कोई बात ही नहीं होती। तो वो जो बिल्कुल थिन लाइन है, मतलब जो एक एक चीज है कि तुम्हारे दिमाग में कब क्या चल रहा होता है कि भैया अभी हम दोस्तों के साथ कर ले, पढ़ ले, क्या करें, या फिर हम पढ़ें पढ़ाएं कि नहीं करें, या फिर ईजी है, डिफिकल्ट है, दिमाग लगाएं नहीं लगाएं, लोड लें कि नहीं लें, एग्जाम के लिए स्ट्रेस लें नहीं लें, वो सारी चीजें जो तुम्हारे दिमाग में एक एक चीज होती है ना, वो मुझे पता है और मैं उसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देता हूं। ऐसा नहीं कि बच्चों दिन रात मेहनत करनी और पढ़ाई करना है, ठीक है, चिल वाली बात करते हैं। ठीक है, चलो, तो यहां पर सबसे पहले हमारे पास में नौ टिप्स है। इसके अंदर मैंने ना मस्त सा कंसेप्ट बनाया क्योंकि तुम लोगों को सबसे रिलेटेड ऐसा होता है कि क्यों भाई, हाँ भाई, तो मैं वैसे ही करने वाला हूं। ठीक है, एक होगा हमारे कुछ जो नौ टिप्स में से कुछ 4-5 टिप्स होंगी वो होंगी क्यों भाई के ऊपर, और बाकी होंगी हाँ भाई, मतलब कि क्यों कर रहे हो ऐसा अपने जीवन के साथ यार, वो मैं बताऊंगा, और हाँ भाई मतलब कि हाँ ऐसा जो कर रहे हो करते रहो। तो यहाँ पर जो चीजें तुम गलत कर रहे हो बता दूंगा, और यहाँ पर जो चीजें सही कर रहे हो करना चाहिए वो बता दूंगा। ठीक है, चलो, बहुत ही बढ़िया। सबसे पहली चीज द डर। ठीक है, तुम देखो भाई स्लाइड कितने सुंदर लग रही है, एकदम ऐसे बिल्कुल शानदार लग रही कि नहीं लग रही, है ना, अप्रोप्रिएट वर्ड तो मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, बट द डर भाई, देखो एक सिंपल सी बात बताता हूँ, हम क्या है, हम आए हैं नए नए, हम आए हैं कहाँ, क्या हम आए हैं नए नए कक्षा 9वीं के अंदर, कैसे चलता है यार, चलो ठीक है, तो हम आए कक्षा 9वीं के अंदर सबसे पहली बार, और हमको धारणाएं सुनने को मिली है अलग अलग, मतलब बतेरे लोगों ने हमको आके बता दिया कि भैया 9th जो है वो बहुत ही डिफिकल्ट है। देखो मैं मानता हूं कि 9th इज कंपैरेटिवली मोर डिफिकल्ट देन योर क्लास 10th, बट स्टिल 9th इज नॉट एज डिफिकल्ट एज इट सीम्स टू बी। ठीक है, ये दिख रही है ना 9th, ये दिख रहा है 9वीं कक्षा, ये देख के फट जाती है भाई दूर से, ठीक है, मतलब अच्छी खासी फट जाती है इससे, पर अगर तुम ऐसे ध्यान से देखो, ठीक है, ध्यान से देखो तो इतना कुछ है नहीं इसके अंदर, ऑनेस्टली बताओ। डर क्यों लगता है भैया, डर इसीलिए लगता है, व्हाई डू वी फियर ऑफ क्लास 10, बिकॉज वी डोंट नो अबाउट, जिस चीज के बारे में हमको पता नहीं उस चीज के बारे में डर ही लगेगा। ठीक है, दुनिया भर के अंदर कक्षा 10वीं से रिलेटेड हर चीज मिल जाएगी तुमको, अरे भैया 10वीं के नोट्स है, 10वीं का ये, 10वीं का वो, 10वीं का फलाना, 10वीं का ये वो सब कुछ है, पर 9वीं के बारे में कुछ है ही नहीं, तो इसलिए 9वीं से फट जाती है हमारी, है कि नहीं, पर जिस चीज के बारे में नहीं पता उससे तो फटेगी ना। जहां तुमको पता है कि हाँ मेरे को यार चेस खेलना आता है, तो तुम भले कंपटीशन में जाओ, चैंपियनशिप के अंदर जाओ, तुमको नर्वस फील होगा, पर तुम्हारी फटेगी नहीं कि भाई क्या होने वाला है यहाँ पे। तुमको पता है घोड़ा ढाई कदम चलता है, तुमको पता है कि यार वो क्या राजा होता है, वजीर क्या बोलते हैं उसको, ऐसा टेढ़ा चलता है, ठीक है, कोई एक सीधा चलता है, मतलब आड़े तिरछे चलते हैं उसके अंदर, ये पता है हमको,
वैसे अगर हमको पता है कि भाई इसके अंदर क्या है तो समझ में तो आ जाएगा ना कि क्या नहीं करना है और क्या करना है। तो क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सबसे बड़ी थिन लाइन। और वही चीज हमको नहीं पता होती, वो चीज टेंथ के लिए भरते रहे, दुनिया में भरी हुई है, पर नाइन्थ के लिए नहीं भरी हुई। और हमने लास्ट ईयर जस्ट पढ़ ले इस चैनल के साथ में ये जो गैप थी इसको फुल किया, और इसीलिए हमने जो सही तरीके से गैप को फुलफिल किया, इसलिए तुम लोगों को बहुत सारा प्यार मिला। मतलब जो तुम्हारे सीनियर रहे उन्होंने सब भरमार प्यार दिखाया, ठीक है। तुम्हारे पुराने भैया के लिए बिल्कुल अलग ही लेवल की वो बॉन्डिंग डेवलप होगी सबके साथ में, बाकी इंस्टाग्राम वगैरह पे तुमको देखने को मिलती है, ठीक है। मैं थोड़ा थोड़ा प्रमोट कर लेता हूं अपने आपको भी, बट एनीवेज स्कूल में लगे कि मेरा कहने का मतलब है कि जहां डर है, डर वहीं हो सकता है सिर्फ जहां पर नॉलेज नहीं है, ठीक है। जहां पता है कि ये करना है वहां तो कोई डरने की बात ही नहीं है। और क्या करना हो मैं तुम लोगों को पूरे साल भर बताऊंगा इसे, ठीक है। हमने लास्ट में एक महीने के अंदर अंदर मतलब फरवरी और जनवरी में जो प्रेपरेशन की थी ना, जनवरी और फरवरी में, इन दो महीने में हमने पूरी नाइन्थ को तो बिल्कुल निचोड़ डाला था पूरी तरीके से। तो अब जब तुम शुरू से आ रखे हो तो भाई तुम सोचो कि तुम कितने एडवांटेजेस पोजीशन पे हो, है कि नहीं, आ रही बात समझ में? चलो बहुत ही बढ़िया, इतना क्लियर है। नेक्स्ट, अरे यार जीवन के अंदर समस्याओं की कमी नहीं है। तो कक्षा नवी में आ गए हैं भाई, नए नए कक्षा नवी में आए हैं, अब हमारा बिल्कुल मौसम चढ़ेगा किताबों का, हमको दुनिया भर में रेफरेंस बुक दिखेंगी, ठीक है। तो यहां पर मैंने लगा रखा है क्यों भाई, मतलब कि दिस इज नॉट मेंट टू बी डन, किताबों की दुकान नहीं लगानी है, ठीक है। किताबों के तो ऐसा नहीं कि तुम, अरे मेरा एक दोस्त है गट्टू, उसने पांच किताबें खरीद ली तो मैं भी उठा के पांच किताबें घर ले आऊं, ठीक है। अरे यार वो स्वीटी ने भी पांच किताबें खरीद ली, अब हमको स्वीटी वाली किताबें चाहिए तो हम वो भी लेके आ गए, ठीक है। अब पता चला स्वीटी ने तीन तो उसमें से लव स्टोरी वाले नॉवल लेके रखी थी तो हम वो भी उठा के ले, कोई दिक्कत नहीं, हम वो भी ले। तो हमारे पास में कुल मिला के 50 किताबें होंगी। अब कक्षा नवी पूरी खत्म करने के लिए, मतलब अगर तुमको कक्षा नवी के अंदर 90-95% भी लेके आने हैं तो वन बुक विच इज द मदर ऑफ ऑल बुक्स, All what is necessary is just your NCERT, मतलब तुमको बस पांच किताबों की जरूरत है जो तुम्हारे पांच सब्जेक्ट की पांच NCERTs हैं, ठीक है। Nothing else, nothing more, nothing less, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए और इससे कम भी कुछ नहीं चाहिए। मतलब इससे अगर तुमने अच्छी शिद्दत वाली मोहब्बत कर ली तो ये तुमको यहां तक पहुंचा देगी पकड़ के, ठीक है। पर अगर तुम किताबों की दुकान लगा लेते हो तो क्या होगा कि भैया दिमाग का जो है भरता तो बन ही जाएगा, ठीक है, दिमाग काम करना बंद तो कर ही जाएगा, क्योंकि हमसे एक पतली सी किताब नहीं पढ़ी जा रही है तो इतनी मोटी जो रेफरेंस बुक थी उसको कैसे पढ़ेंगे। इसके अंदर से कुछ आ गया तो अरे कुछ नहीं आएगा, आएगा यहीं से। तुमको साल भर तुम्हारे टीचर, तुम्हारे स्कूल के दोस्त, तुम्हारे ये कोचिंग वाले भैया, दुनिया भर के जितने भी लोग हैं वो सब ये रेफरेंस कराने में जुटे रहेंगे, मोटी मोटी किताबें पढ़ाने में जुटे रहेंगे, पर आखिरी के जो एक दो महीने बचेंगे उसमें सब यहां पर आ जाएंगे एनसीईआरटी पे। तो तुम डिसाइड कर लो कि तुमको ये पढ़ के दिमाग खराब कर करके पढ़ाई करनी है, या फिर पहले जो आखिरी में पढ़ने वाले हैं ये तो करके सिक्योर होना है, ठीक है। ये करके जब सिक्योरिटी आ सकती है, अगर भैया इतना कर लिया फिर जाके ये करो ना भाई, तुम्हारे पास में आज 10 रुपए भी नहीं है और तुम 100 रुपए खर्चा करने जा रहे हो तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। एटलीस्ट 10 रुपए से स्टार्ट तो करो, है ना। जब तुमको पता है कि तुमको 10 रुपए की जरूरत है, मान लो कि तुमको कुछ कोई सी चीज खरीदनी है उसके लिए तुमको 10 रुपए की जरूरत है, आज तुम्हारे पास में 0 रुपीज है, अब तुम सोच रहे कि मैं तो 100 रुपए कमाने वाला ही काम करूंगा, मैं वो काम नहीं करूंगा जिसमें 2 रुपए मिल रहे हैं। अब तुम्हारे पास में कोई ऐसा काम आ गया जिसमें तुमको 20 रुपए मिल सकते हैं, 30 रुपए मिल सकते हैं, तो तुम वही वो नहीं कर रहे हो, तुम वेट कर रहे हो कि तुमको भाई 100 रुपए वाला काम करना है जिसमें तुमको 100 रुपए की सैलरी मिल जाए। पर अगर तुमको जो चीज खरीदनी है वो अगर 10 रुपए में आ रही है तो तुम क्या करोगे, 100 रुपए वाले काम का वेट करोगे या फिर पहले 10 रुपए कमा के इसको खरीद लोगे, फिर बचे हुए 90 रुपए आते रहेंगे उसके बाद में लौट लोगे। पहले हम खरीद क्या खत्म करते हैं ना भाई, हमको अगर खरीदना है तो 10 रुपए कमाओ खरीद लो और बाद में 90 रुपए कमाते रहना जब तुम्हारी इच्छा हो। तो ये जब तुमको इससे नंबर मिल रहे हैं तो ये पढ़ के खत्म करो ना, ये बाद में करते रहना, है ना। बहुत ही बढ़िया भाई, एक तो मुझे सर्दी हो रही है अलग, और मैं पूरी एनर्जी के साथ बात कर रहा हूं, वो भी इतने दिनों बाद वीडियो बना रहा हूं तो थोड़ा ऐसा अजीब सा तो लग रहा है, पर कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट टिप के ऊपर आते हैं, ठीक है। हमारी जो नेक्स्ट टिप है, चौथी टिप होगी, विच इज द बंद दिमाग। बंद दिमाग क्यों लिखा भाई मैंने, बंद दिमाग इसलिए लिखा है क्योंकि तुम्हारी जो कक्षा नवी है इट इज मोर और लेस कंसेप्चुअल, ठीक है। यहां पर भाई दुनिया भर के कंसेप्ट आते रहेंगे, ये वो दुनिया भर की कहानी वहां आते रहेंगे और मैं तुमको पूरी कहानी के फॉर्म में पढ़ाना लूं, बट अगर तुम लोगों का दिमाग बंद है, अगर तुम लोग हर चीज में कंसेप्ट नहीं ढूंढो तो तुम ये मत करो भाई। बंद दिमाग क्यों भाई, क्यों रखना है बंद दिमाग, जितना पढ़ा है उतना पढ़ लेंगे। अरे इतना क्यों करना भाई, इतने इंटरेस्टिंग चैप्टर से तुम्हारे पता है फिजिक्स अंदर चैप्टर है मोशन, अब इसके अंदर तुमको ये बता रखा है कि भैया जब पापा कार के ऊपर ब्रेक लगाते हैं तो कार कितनी देर बाद रुकेगी, तो इन चीजों को थोड़ा, मैं नहीं बोलता कि बैठ के वहां पे कैलकुलेट करने लगे, पापा रुको रुको ब्रेक मत लगाओ, पहले मुझे स्पीड कैलकुलेट करने दो, ठीक है, पापा एक मिनट ब्रेक मत लगाना, पहले मुझे अब एक्सेलरेशन क्या है, अच्छा अच्छा ये कैलकुलेट, अच्छा अपना वेट कितना है वो कैलकुलेट करने दो, अच्छा आपका 50 मेरा 50 इनका 50, अब ये करते करते गाड़ी ठोक देंगे पापा, है ना। तो ये नहीं करना, पर एटलीस्ट दिमाग खुला रखो।
मतलब जहां तुमको लग रहा है कि जो तुमने पढ़ा वो अप्लाई हो सकता है, बस एक बार खुले दिमाग से उसको देख लो। मैं नहीं बोल रहा कि कैलकुलेटर के बैठ जाओ, हमको फिजिशियन थोड़ी बनना है ऐसा, मतलब फिजिसिस्ट थोड़ी बनना है ऐसा, फिजिशियन तो अलग चीज हो गया है ना। हमको ये थोड़ी करना है कि पापा कितनी देर में गाड़ी रुक जाएगी, बस ऐसा ध्यान रखो कि अच्छा पापा अगर ब्रेक लगा रहा है मतलब रिटार्डेशन हो रहा होगा, है कि नहीं, मतलब ऊपर से कोई बॉडी नीचे गिर रही है तो उसमें एक्सेलरेशन हो रहा होगा, ये बस ध्यान रखो ना। तुमको अब कोई तुम मान लो कि क्रिकेट खेल रहे हो, क्रिकेट में तुमने शॉट मारा तो बस इतना ध्यान रखो कि कुछ ना कुछ फिजिक्स यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। मैं नहीं बोल रहा कि एक्जैक्टली निकालो कि कितनी वेलोसिटी से बॉल जा रही है, पर ये दिमाग खुला रखो क्योंकि खुला दिमाग ही तुमको आगे काम देगा। ठीक है, जब तुम 11th में जाओगे 12th में जाओगे तो चाहे तुम PCM ना लो, चाहे तुम साइंस स्ट्रीम ना लो, कॉमर्स भी ले लो, पर खुला दिमाग तुमको आगे जिंदगी भर हेल्प करेगा। और अभी तुमको खुला दिमाग रखना है, बस दिमाग लगाना नहीं है, बस गेट खोल के रख दो, तुम उसके अंदर कुछ बुलाओ मत, बस गेट खुला रखो, जो जो आ रहा है उसको घुसने दो, जो नहीं आ रहा उसको बाहर में आने दो, पर एटलीस्ट दिमाग खुला रखो, गेट खुले रखो दिमाग के, जहां जहां दिख रहा है वहां पे नोटिस करते जाओ चीजों को, ऑब्जर्वर बनो। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अरे भैया क्या ज्ञान दिया है आपने, मजा आ गया आज तो, बिल्कुल फील आ गए, ऐसा ज्ञान हमको बाकी यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलता और मिलेगा भी नहीं। ठीक है, मतलब मिल सकता है पर मैं यही रहूंगा। ठीक है, चलो द साइंस एक है, इसका मतलब क्या है? हाँ भाई, इसमें मैंने लिखा है हाँ भाई, इसका मतलब कि भले ही तुम्हारा साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो में डिवाइड हो चुका है पर साइंस इज अल्टीमेटली वन। क्यों? क्योंकि साइंस की एग्जाम तो एक ही होना है, है ना। अब अगर तुम साइंस को तीन अलग अलग तरीके से पढ़ो, फिजिक्स अलग, केमिस्ट्री अलग, बायोलॉजी अलग, मतलब हमको भैया फिजिक्स अलग कंप्लीट करना है, केमिस्ट्री अलग कंप्लीट करना है, बायोलॉजी, इसकी वजह तुम ऐसा सोचो कि तुमको साइंस एज अ होल कंप्लीट करना है। क्यों? क्योंकि भाई एग्जाम के अंदर तो तीनों साथ में आएंगे ना। अगर तुम लोग बायो कंप्लीट करने में जुटे हो कि भैया हमको बायो एज अ सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, पता चला उस चक्कर में तुमने फिजिक्स केमिस्ट्री में पूरी 12 बजा दी अपने, अब तुमने बायो कंप्लीट कर लिया, तुमको लगा कि हम बायो में तो मास्टर है, पर पता चला एग्जाम के अंदर बायो तो बस 1/3 आ रहा है। ठीक है, बचा हुआ 2/3 तो फिजिक्स केमिस्ट्री है जिसको हमने हाथ भी नहीं लगाया, तो हमने अपना जो सब्जेक्ट ईगो था, सब्जेक्ट ईगो मतलब कि ये सब्जेक्ट मेरा फुल होना चाहिए, उस ईगो के चक्कर में पढ़ाई तो कर ली पर हमने तो सिर्फ 1/3 पढ़ेगी, 1/3 पढ़ेगी, बचा हुआ 2/3 तो हमारा भी नहीं हुआ। तो ये जो सब्जेक्ट ईगो है इसको नहीं रखना है। ठीक है भाई, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को एक तरीके से ट्रीट करना है, जिस दिन एग्जाम आए तब, बाकी अलग अलग पढ़ रहे हो पर जब एग्जाम आ रही हो, जब तुम्हारी यूनिट टेस्ट आ रही हो, तब तुमको ये ध्यान रखना है कि एग्जाम के अंदर सब कुछ साथ में आने वाला है। ठीक है, तो अगर तुम्हारा बायो का कोई चैप्टर नहीं हुआ है जिसमें तुमको करने में एक पूरा दिन लग जाएगा और उससे सिर्फ 2 नंबर आ रहे हैं, और पता चला कि फिजिक्स केमिस्ट्री में तुम्हारे कुछ चैप्टर जो ऑलरेडी हो रखे हैं उसको अगर तुम रिवाइज कर लो तो तुम इजीली 10 नंबर स्कोर कर सकते हो, तो ट्राई करो कि ये 10 नंबर स्कोर पहले कर लें, क्योंकि हमको साइंस के एग्जाम में नंबर लाना है, हमको बायो के एग्जाम में नंबर नहीं लाना है। आ रही बात समझ में? ट्रीट साइंस एज अ सिंगल सब्जेक्ट। ओके, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट हमारी भाई क्या टिप है, फटाफट अगली टिप्स भी कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट टिप है हमारी द प्रैक्टिकल्स और प्रोजेक्ट्स, इसका मतलब कि इनका फालतू का बैकलॉग का टेंशन अपने सिर पे मत बना के रखना। भाई देखो क्या होता है, तुम्हारी प्रैक्टिकल ऑफिस के अंदर होंगे 13-14 प्रैक्टिकल्स, ये हो सकता है ज्यादा भी हो, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, पर 13-14 प्रैक्टिकल्स होंगे। अब वो प्रैक्टिकल क्या होता है, होते तो बहुत छोटे छोटे 3 पेज के होते हैं मैक्स टू मैक्स, 3-4 पेज के, मतलब लिखने में उसको लगेंगे मुश्किल से 10 से 15, या चलो ज्यादा से ज्यादा मान भी लिया अगर ड्राइंग कर ली, आधे घंटे में तुम्हारा एक प्रैक्टिकल हो जाएगा। अब तुम क्या करोगे, आधे घंटे में एक प्रैक्टिकल आज नहीं लिखोगे, तुम क्या करोगे उसको एग्जाम के 2 दिन पहले लिखोगे, तो ये 14 प्रैक्टिकल लिखने में तुमको लग जाएंगे 300 से 400 मिनट, अब तुम्हारा बढ़ जाएगा बैकलॉग। अब क्योंकि जब तुम प्रैक्टिकल दे रहोगे उसी टाइम तुम्हारी फाइनल एग्जाम भी आ रही होगी, और तब तुमको सिर्फ एक प्रैक्टिकल नहीं लिखना है, तब तुमको सारे सब्जेक्ट्स के अलग अलग प्रैक्टिकल्स लिखना है, तब तुम्हारी 12 बज जाएगी, तब तुमको 2 दिन पूरे पेन घिस घिस के लिखना पड़ेगा। तो ये बैकलॉग क्रिएट मत करो, आज भाई मुश्किल से आधा घंटा लगेगा, ईयरफोन्स लगाओ, जो प्रैक्टिकल करा उसको लिख डालो प्रैक्टिकल किताब के अंदर, ये लोड दिमाग में मत रखो कि भैया आखिरी में लिख लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, उससे बैकलॉग बनाने से क्या, मत मैंने गलती की थी, और ये गलती दुनिया की सबसे घटिया गलती होती है, तुम वो गलती मत करो फॉर गॉड सेक, जस्ट राइट डाउन द प्रैक्टिकल्स। 30-40 मिनट लगेंगे, लगा के लिख लो ना यार, ईयरफोन्स लगाओ, 2000 गाना लगाओ, या मेरा वीडियो लगा के प्ले कर लो, एंटरटेनिंग लगता है वैसे भी, तो लिख डालो, खत्म करो फिर। ठीक है, तो ये लोड दिमाग पर लेके नहीं रखना कि अरे प्रैक्टिकल करना है प्रैक्टिकल, क्योंकि अभी नहीं लग रहा है, अभी हलवा लग रहा है, बाद में जाके दिमाग खराब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट द नोट्स का जमाना। हाँ भाई, तो देखो इसमें हाँ भाई लिखा, इसका मतलब कि यस वी नीड टू फॉलो दिस, नोट्स का जमाना आ चुका है, नोट्स बनाना सीख लो। देखो सिंपल सी बात है, जो चीज़ हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उसमें हम एक्सपर्ट कभी नहीं होते हैं। ठीक है, पर अगर तुम आज नोट्स बनाना खुद सीख लो, ठीक है, सामने टीचर जो पढ़ा रहा है वो पढ़ते पढ़ते, स्कूल के अंदर पढ़ते पढ़ते कुछ कुछ नोट्स बनाना सीख लो, भले गलत बनाओ, उल्टे पुलटे बनाओ, कुछ भी बनाओ, बट एटलीस्ट स्टार्ट, लर्न हाउ टू मेक नोट्स, स्टार्ट विद दिस थिंग। ठीक है, ये कंसेप्ट अपने दिमाग में लेके आओ कि यस आई नीड टू स्टार्ट मेकिंग नोट्स बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी द फ्यूचर, हमको आगे चल के सिर्फ नोट्स ही बनाना है। तुमको क्या लगता है 11वीं 12वीं में कोई तुमको ऐसा होगा कि टीचर बैठ के डिक्टेट करेंगे कि हाँ चलो राम श्याम गट्टू बट्टू सब लिखने लग जाओ? ठीक है, हाँ लिखो अपनी बुक्स में द मेन थिंग अबाउट फिजिक्स, ऐसा तुमको क्या लगता है ऐसा बैठ के पढ़ाने लग जाएंगे? इतना कुछ नहीं होगा भाई, वो बोलेंगे और निकल जाएंगे।
आज फिर भी तुम्हारे टीचर्स तुमको धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, तो अभी से ये थोड़ी नोट्स की प्रैक्टिस। मैं नहीं बोलता कि बिल्कुल एक वर्ड टू वर्ड, क्योंकि भाई मैं तुम्हारे दिल की भावना समझता हूं। तुमको क्लास के अंदर बैठकर सिर्फ पढ़ाई तो करनी है, तुमको दुनिया भर की मस्ती भी करनी है, तुमको लास्ट बेंच के ऊपर बैठ के टिफिन भी खाना है, तुमको टीचर के साथ मस्ती भी करनी है, ठीक है, तुमको अपने आसपास वाले दोस्तों को देखना भी है, तुमको क्लास से बाहर भी निकलना है, तुमको बीच बीच में टॉयलेट का बहाना भी करना है, तुमको उसके अंदर बीच में बॉटल भी भरने जाना है ताकि तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाए, तुमको क्लास को एंटरटेन भी करना है, सारी चीजें तुम्हारी भावना को समझता हूं। सब करो, बिल्कुल करो भाई, खूब मस्ती करो। पर मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ऐसा मत करो कि बिल्कुल नोट्स तुम ऐसे बिल्कुल सुंदर से बना लग जाओ, बट एटलीस्ट गेट दिस हैबिट ऑफ मेकिंग नोट्स, गेट स्टार्टेड विद दिस, मतलब थोड़ा स्टार्ट तो करो। नोट्स बनाने का जो दिमाग में कंसेप्ट है ना, वो थोड़ा क्लियर तो करो। मैं नहीं बोलता कि परफेक्ट नोट बनाओ दुनिया के, पर स्टार्ट करो। ये जमाना आ गया क्योंकि नोट्स का, अब जो आने वाले 5-6 साल है ना, मतलब अगर तुम 9th में हो अभी तो 10th 11th 12th कॉलेज का फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर, या अगर तुम इंजीनियरिंग करो तो फोर्थ ईयर, अगर पीजी वगैरह कर रहे हो, डॉक्टर बन रहे हो तो 5 साल, उसके अंदर अगर पीजी वीजी कर ले तो 6-7 साल, मतलब तुम्हारे 3 साल ये और 7 साल ये, मतलब आने वाले करीब करीब 8-10 साल ये प्रैक्टिस तुम्हारी काम आने वाली है जो तुम आज करोगे, ठीक है। तो आज परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, आज बस स्टार्ट करना जरूरी है, ठीक है। चलो बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते जीवन के अंदर। द सिलेक्टिविटी, हाँ भाई, मतलब कि सिलेक्टिविटी होना बहुत जरूरी है। सिलेक्टिविटी का मतलब ये कि चाहे तुम किताबें करो, चाहे तुम नोट्स करो, चाहे तुम पढ़ो, तुमको सिलेक्टिव होना पड़ेगा कि मुझे ये करना है और ये नहीं करना है, क्योंकि दुनिया में करने को 100 चीजें हैं। एग्जाम में पास होने के लिए उनमें से 5 जरूरी है, और एग्जाम में 90-95% लाने के लिए उसमें से 10 चीजें जरूरी है, पर बची हुई 90 चीजें जो है वो तुम्हें नहीं करनी है। तुम्हें नॉलेज होना चाहिए कि ये 90 चीजें मुझे नहीं करनी है, मुझे यहां अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये मैं सिर्फ ऐसा नहीं बोल रहा हूं दोस्तों, दोस्ती यारी के मामले में नहीं बोल रहा हूं। दोस्ती यारी तो खूब करो, उसमें खूब मस्ती करो, खूब इंजॉय करो, वो तो करो, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं आके बोल दूंगा कि बिल्कुल दोस्ती यारी नहीं करना, बिल्कुल पढ़ाई करना, अपने काम से काम रखना, तो तुम लोग मुझे भी बोलोगे कि भैया आप तो वही बात कर रहे हो, पर मैं तुम्हारे दिल की भावना समझता हूं, मैंने बहुत मस्ती की, तुम भी बहुत मस्ती करो। मैं ये बोल रहा हूं इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, ठीक है, मतलब वही सिलेक्टिविटी, मतलब कि किताबें, वहां पर मैंने सिर्फ बुक्स बताई थी पहले पॉइंट में, ठीक है, पर यहां पर सिर्फ बुक्स नहीं, तुम जहां से पढ़ रहे हो, चाहे तुम किसी YouTube चैनल से पढ़ रहे हो, ठीक है, चाहे तुम किसी कोचिंग से पढ़ रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि भैया कोचिंग कर ली तो 4 कोचिंग ज्वाइन कर ली, बी सिलेक्टिव अबाउट एवरीथिंग, तुम्हारा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सिलेक्टिविटी रखो, ठीक है, सिलेक्टिविटी रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अब इसी सिलेक्टिविटी के लिए हम है ना, ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं हूं ना, ठीक है, तो थोड़ा रोमांटिक हो गया ये, पर कोई बात नहीं, हम रोमांटिक वो बातें भी थोड़ी थोड़ी कर लेते हैं, ठीक है। और बाकी अगर तुम लोगों ने इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया तो मेक श्योर कि तुम जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, ठीक है, मुझे तो फॉलो कर ही लेना, पढ़ले.in को भी फॉलो कर लो, यहाँ पर रील वील हम डालते रहते हैं, और मैं अगर तुम थोड़ी पर्सनल लाइफ मेरी देखना चाहते हो तो मैं अपने फोटो वोटो डालता रहता हूँ उस पर, तुम लोग बड़ा प्यार दिखाते हो, कमेंट वमेंट करते रहते हो, मुझे बड़ा मजा आता है, और टेलीग्राम भी चैनल ज्वाइन करना अगर तुम नहीं करो। एक और चीज मैं तुमको बता दूं कि हम अपनी ऐप के ऊपर भी कंटेंट वापस से तगड़ा लाने के लिए तैयार है, तो पढ़ले की ऐप डाउनलोड जरूर कर लेना, हमने इसको ट्राई किया। तो दैट बीइंग सेड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।